हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल। माय नेम इज निखिल पाटिल। टुडे वी हैव टू डिस्कस आवर सेकंड पार्ट फ्रॉम द लेसन फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर्स। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं विद द इनपुट डिवाइसेस। द कीबोर्ड एंड द माउस आर द टू इनपुट डिवाइसेस। दे आर यूज्ड टू एंटर डेटा और द इंस्ट्रक्शन इन टू द कंप्यूटर। कीबोर्ड एंड जो माउस जो है, ये दो इनपुट डिवाइसेस हैं। दे आर यूज्ड टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर। आप इससे डेटा एंड इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में डाल सकते हो, एंटर कर सकते हो। पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ यूज्ड टू एंटर डेटा और क्यूब इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। कीबोर्ड जो है वो डेटा एंटर करने के लिए या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन गिव्स करने के लिए, देने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ कनेक्टेड टू द CPU बॉक्स विद द केबल। यह जो है ये CPU बॉक्स से कनेक्टेड रहता है विद द हेल्प ऑफ अ केबल। ये देखें, नीचे कीबोर्ड की पूरा का पूरा इमेज दिया हुआ रहता है, क्या क्या रहता है ये नीचे देखेंगे हम। ठीक है, ओके। द कीबोर्ड इज़ अ फ्लैट रेक्टेंगुलर बोर्ड विद द मोर देन द 100 कीज ऑन इट। मतलब ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट में, रेक्टेंगुलर शेप में आता है, उसमें मोर देन 100 कीज़ होती है। ओके, दिस कीज़ कैन बी क्लासीफाइड एज फॉलोज। वो जो कीज़ रहती है, उन कौन सी कीज़ रहती है वो नीचे बताया गया है। लेटर कीज़, ये देखें यहाँ पे क्यू से स्टार्ट हो रहा है तो एम से एंड हो रहा है। ये लेटर कीज़ क्यू से एम तक रहती है, लेकिन कौन से रहती है। स्मॉल लेटर्स ए टू जेड रहती है और कैपिटल लेटर ए टू जेड रहती है। ओके, द नंबर कीज़, नंबर कीज़ रहती है यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4। ये देखिए यहाँ पे नंबर कीज दी हुई है। ओके, तो थर्ड है कीज़ ऑफ द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये जो यहाँ पे दी हुई है, देखिए नंबर कीज़ के बाजू में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नंबर, ये यहाँ पे नंबर कीज दी हुई है। कीज़ ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, ओके हो गया। कीज़ ऑफ अ पंक्चुएशन मार्क्स, ओके। सो ये जो लाइन है यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये दी हुई है ऊपर की, यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क दिया है। देखिए पहला एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, सेकंड एट द रेट हैश डॉलर का साइन, परसेंटेज का साइन, अपर रेस्ट का साइन, एंड का साइन, मल्टीप्लिकेशन का साइन, ब्रैकेट्स, ये रहते हैं हमारे पंक्चुएशन मार्क्स। फिफ्थ है द सिंबल, सिंबल कीज। उसमें ही पंक्चुएशन मार्क्स में ही स्पेशल सिंबल्स आते हैं, वो हमें शिफ्ट दबा के यूज़ करते आते हैं। ओके, सिक्स्थ वाला है कर्सर कीज। तो कर्सर कीज एरो कीज रहती है, आप सबको पता ही होगा गेम खेलने के लिए कौन सी कीज़ यूज़ होती है, ये वाली, इनको कर्सर कीज़ बोलते हैं। ओके, सिक्स्थ है फंक्शन कीज़। F1, F2, ये देखिए F1, F2 से F12 तक ये जो रहती है ये फंक्शन कीज़ रहती है। एट वाला है स्पेशल कीज़। ये स्पेशल कीज़ रहती है शिफ्ट, अल्टर, एंटर, ये जो रहती है इनको क्या कहते हैं, अल्टर एंड स्पेशल कीज़। तो स्पेशल कीज़ शिफ्ट, हमारे कीबोर्ड पे दो शिफ्ट होती है, दो कंट्रोल होती है, दो अल्टर होती है, दो एंटर होती है। ओके, ये जो है दो दो कीज़ रहती है। ओके, सो सेकेंड जो इनपुट हमने देखा था वो माउस है। तो माउस इज़ द पाम साइज प्लास्टिक डिवाइस विद द टू और मोर थ्री बटन्स ऑन इट। ये जो माउस है ये हमारे पाम साइज का रहता है और ये प्लास्टिक डिवाइस है, इस पर दो या तीन बटन रहते हैं। द लेफ्ट माउस बटन इज़ मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज बटन यूज। जो लेफ्ट साइड का जो बटन होता है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होता है। द माउस इज़ केप्ट एंड मूव्ड ओवर द पैड, माउस पैड, जो माउस रहता है वो माउस पैड पर रखा जाता है और उस पर ही वर्क किया जाता है। ऑन इट्स अंडर साइड देर इज़ अ पेरीफेरल रबर बॉल। जो उस पर अंडर साइड में एक स्पेरिकल रबर बॉल रहता है, वो हम मूव कर सकते हैं, मतलब आगे स्क्रॉल करने के लिए यूज़ होता है वो। विच मूव्स एज यू मूव द माउस ओवर द माउस पैड। मतलब वो हम जैसे जैसे माउस पैड पर हम माउस घुमाएंगे या मूव करेंगे, वैसे वैसे वो मूव होगा। द माउस इज़ कनेक्ट टू द CPU विद CPU बॉक्स विद अ केबल। मतलब ये जो माउस रहता है वो CPU बॉक्स से कनेक्टेड रहता है विद द हेल्प ऑफ अ केबल रहती है। ओके, व्हेन यू मूव द माउस द मोमेंट ऑफ द बॉल ऑन इट्स अंडर साइड इज़ कन्वर्टेड इनटू डेटा। मतलब आप जो माउस की मूवमेंट करते हो, माउस ऑफ द जो अंडर साइड में बॉल रहता है उसकी जो मूवमेंट करते हो, वो डेटा कन्वर्ट होता है किसमें, वो कन्वर्ट होके डेटा में कन्वर्ट होता है और स्टोर होता है। ओके, विच इज़ सेंड टू द CPU थ्रू द केबल। जो इंस्ट्रक्शन या डेटा उस पर कन्वर्ट होता है वो CPU को थ्रू द केबल पहुँचाया जाता है।
It is then that the mouse shows where when you were currently working on the screen. उसी के वजह से हमको पता चलता है माउस हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे कहाँ वर्क कर रहा है या हम का क्या क्या वर्क करके कर रहे हैं. ओके, और द पॉइंट्स टू द लोकेशन ऑन द स्क्रीन, मतलब स्क्रीन पे लोकेशन, पॉइंट की लोकेशन हम जान सकते हैं. हैंस द माउस इज नोन एज द पॉइंटिंग डिवाइसेस, तो माउस को पॉइंटिंग डिवाइसेस भी कहते हैं. तो आउटपुट डिवाइसेस देखेंगे, द मॉनिटर एंड द प्रिंटर आर टू आउटपुट डिवाइसेस. द मॉनिटर डिस्प्लेज द आउटपुट वाइल द प्रिंटर प्रिंट द आउटपुट ऑन द पेपर. मॉनिटर एंड प्रिंटर ये जो है वो दो आउटपुट डिवाइसेस हैं. मॉनिटर डिस्प्ले करता है आउटपुट को और प्रिंटर जो है वो जो आउटपुट है वो पेपर पे प्रिंट करता है. पहला है मॉनिटर. देखिए मॉनिटर की इमेज दी हुई है, मॉनिटर टीवी जैसा दिखता है. ओके, द मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन, जो मॉनिटर जो है वो टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है. इट इज़ कनेक्टेड टू द सीपीयू बॉक्स विद द केबल, जो मॉनिटर रहता है ये सीपीयू बॉक्स से ही कनेक्टेड रहता है विद द केबल. इट हैज़ द पावर बटन टू स्विच ऑन एंड ऑफ, यहाँ इसके ऊपर स्विच ऑन करने के लिए या स्विच ऑफ करने के लिए पावर बटन भी दिया रहता है. इट इज़ ऑल्सो हैज़ द कंट्रोल्स और ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, इसके ऊपर कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस के लिए भी बटन दिए हुए रहते हैं. द मॉनिटर हैज़ ऑल्सो नोन एज द विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट मतलब वीडियो भी कहा जाता है. ओके, तो डेटा इंटर इनटू द कंप्यूटर इज प्रोसेस्ड बाय कंटिन्यू इंस्ट्रक्शन एंड द इंफॉर्मेशन दैट जनरेटेड इज डिस्प्ले बाय द मॉनिटर. जो डेटा कंप्यूटर में इंटर किया जाता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, तो वो डेटा जो जनरेट करता है इंफॉर्मेशन वो कहाँ पे दिखता है हमको, मॉनिटर पे दिखता है. ऑल्सो व्हेन यू एंटर डेटा और गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर द मॉनिटर स्क्रीन डिस्प्लेज वट एवर यू आर टाइपिंग, तो हम जो डेटा इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं कीबोर्ड के हिसाब से, कीबोर्ड के मदद से, वो हमको मॉनिटर पे दिखता है कि आप क्या टाइप कर रहे हो. ओके, सेकंड है प्रिंटर. एनी इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द कंप्यूटर इज डिस्प्लेस बाय द मॉनिटर, जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन जनरेट करता है कंप्यूटर वो जो डिस्प्ले करता है वो मॉनिटर पे दिखता है. दिस इंफॉर्मेशन और आउटपुट कैन बी प्रिंटेड ऑन अ पेपर विद द हेल्प ऑफ अ प्रिंटर, इस प्रिंटर की मदद से वो जो इंफॉर्मेशन और आउटपुट जो रहता है वो पेपर पे हम प्रिंट कर सकते हैं. द प्रिंटर इज कनेक्टेड टू द सीपीयू बॉक्स विद द केबल, जो प्रिंटर रहता है वो सीपीयू बॉक्स से ही कनेक्टेड रहता है विद द हेल्प ऑफ अ केबल. अ प्रिंटर कैन प्रिंट बोथ द टेक्स्ट एंड पिक्चर्स, प्रिंटर क्या करता है टेक्स्ट भी प्रिंट करता है और पिक्चर भी प्रिंट करता है. द प्रिंटेड कॉपी और द टेक्स्ट और द पिक्चर, द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द टेक्स्ट और पिक्चर इज कॉल्ड एज द हार्ड कॉपी, जो प्रिंटेड कॉपी रहती है पेपर पे उसको हार्ड कॉपी कहते हैं. This is because the copies stored by the computer or the displays on the screen is called as a soft copy. इस क्योंकि जो कॉपी कंप्यूटर में हमको डिस्प्ले करती है स्क्रीन पे उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं. इसलिए पेपर पे जो इमेज और टेक्स्ट रहता है उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं. देर आर थ्री काइंड ऑफ पिक्चर्स, तो सॉरी प्रिंटर्स, तो थ्री काइंड्स ऑफ प्रिंटर्स रहते हैं. वो कौन कौन से रहते हैं वो देखेंगे. पहला है डॉट मैट्रिक्स. अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैज़ अ सेट ऑफ नीडल्स लाइक अ पिंस टू प्रिंट वर्ड और अ पिक्चर, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रहता है उसमें स्मॉल सेट ऑफ नीडल्स रहती है पिंस की तरह, जो प्रिंट वर्ड को या पिक्चर को प्रिंट करती है. द वर्ड और द पिक्चर आर प्रिंटेड ऑन द फॉर्म्स ऑफ डॉट्स, जो वर्ड एंड पिक्चर जो रहती है वो उस पर डॉट्स के हिसाब से प्रिंट होता है. मोस्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट्स इन अ ब्लैक एंड अ वाइट, जो मोस्ट ऑफ दी जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रहते हैं वो ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट करते हैं. तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज़ वेरी नॉइजी एंड स्लो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एकदम बहुत आवाज़ करता है प्रिंट करते समय और स्लो भी रहता है. सेकंड है इंटरजेक्ट प्रिंटर. हमने बहुत ने यह देखा होगा इंटरजेक्ट प्रिंटर. द हेड ऑफ द इंटरजेक्ट प्रिंटर हैज़ द मेनी टाइनी होल्स ऑन इट, जो उस पर मेनी टाइनी होल्स रहते हैं. टाइनी ड्रॉप ऑफ इंक इज स्प्रेड आउट ऑफ दिस होल्स टू प्रिंट द वर्ड एंड पिक्चर ऑन द पेपर, उसी टाइनी होल्स में से जो इंक स्प्रेड आउट की जाती है उस पे वो जो वर्ड पिक्चर्स और वर्ड जो है वो प्रिंट होते हैं. इंटरजेक्ट प्रिंटर्स कैन बी प्रिंट ऑन द बोथ ब्लैक एंड वाइट एंड कलर, जो इंटरजेक्ट प्रिंटर रहता है वो ब्लैक एंड वाइट कलर में या ब्लैक एंड वाइट कलर में या और कलर में भी प्रिंट कर सकता है. इंटरजेक्ट प्रिंटर इज़ क्वाइट चीप, इंटरजेक्ट प्रिंटर रहता है वो क्वाइट चीप मतलब सस्ता भी रहता है, इजी टू यूज़ रहता है एंड क्वाइटर देन द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, मतलब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से कम आवाज़ करता है.
ओके आगे का है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर प्रिंट्स वर्ड्स और अ पिक्चर विद द हेल्प ऑफ अ लेजर बीम। जो लेजर प्रिंटर रहता है वो वर्ड्स और पिक्चर्स को किसके हिसाब से प्रिंट करता है, लेजर बीम से। इट इज़ द बेस्ट प्रिंटर अवेलेबल टुडे फॉर द गुड क्वालिटी प्रिंटिंग। जो हमारे हिसाब से अभी चालू के टाइम में जो बेस्ट क्वालिटी प्रिंटर है वो लेजर प्रिंटर ही है। अ लेजर प्रिंटर प्रिंट्स द होल पेज एट अ वंस। जो लेजर प्रिंटर है वो एक ही टाइम पे पूरा का पूरा पेपर पर प्रिंट करता है। अ लेजर प्रिंटर इज़ अ कॉस्टलियर दैन द इंटरजेक्ट प्रिंटर बट इट्स प्रिंटर हाई स्पीड। जो लेजर प्रिंटर है वो थोड़ा सा कॉस्टली है इंक जेट प्रिंटर से बट इट प्रिंट्स हाई स्पीड, मतलब जो प्रिंट करने की जो स्पीड है वो उससे ज़्यादा है। आगे है प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेसिंग यूनिट लोकेटेड इन द CPU। तो प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ पे रहता है, CPU में रहता है। CPU का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके जो बॉक्स डब्बा रहता है PC के बाजू में वो वाला। द वर्टिकल बॉक्स दैट कैन यू सी नेक्स्ट टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड एज CPU बॉक्स और द सिस्टम यूनिट। जो हम वर्टिकल बॉक्स मतलब खड़ा जो डब्बा देखते हैं हम, बॉक्स देखते हैं हम, मॉनिटर के बाजू में रखा होता है उसको हम CPU और द सिस्टम यूनिट कहते हैं। द मॉनिटर कीबोर्ड माउस प्रिंटर आर कनेक्टेड द CPU विद द बॉक्स CPU बॉक्स विद द केबल। जो मॉनिटर रहता है, कीबोर्ड रहता है, माउस एंड प्रिंटर्स आर तो कनेक्टेड रहते हैं किससे, CPU बॉक्स से ही कनेक्टेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ अ केबल्स। द CPU बॉक्स एज द नेम सजेस्ट कंसिस्ट ऑफ द CPU। मतलब जो CPU बॉक्स रहता है वहाँ पे नेम सजेस्ट किया जाता है कंसिस्ट ऑफ द CPU विच परफॉर्म द टू मेन फंक्शन ऑफ द प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग। CPU जो है वो दो उसके नाम के हिसाब से ही दो बड़े बड़े फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला है प्रोसेसिंग और दूसरा है स्टोरेज। तो प्रोसेसिंग में जो डेटा स्टोर किया जाता है वो प्रोसेस होता है और स्टोरेज में उस मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो प्रोसेसिंग इज़ डन बाय द प्रोसेसिंग यूनिट एंड द मेमोरी यूनिट टेक केयर ऑफ द स्टोरेज। पहला है प्रोसेसिंग में। द प्रोसेसिंग यूनिट कंटेन्स द CPU। द प्रोसेसिंग यूनिट जो है CPU में रहता है एंड अलग इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दैन हेल्प द CPU टू प्रोसेस इनपुट डेटा अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम एंड जनरेट इन्फॉर्मेशन आउटपुट। जो हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से CPU जो प्रोसेस इनपुट डेटा जो हम उसमें डालते हैं कंप्यूटर में वो डेटा को जनरेट इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, मतलब प्रोसेसिंग करके वो आउटपुट निकालता है। उसके बाद द CPU कंट्रोल्स द एंटायर वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU रहता है ना वो पूरे के पूरे कंप्यूटर का एंटायर वर्किंग कंट्रोल करता है। सो इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। तो इसी के लिए CPU को हमारे कंप्यूटर का ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर कहा जाता है। ऑन द रिसीविंग डेटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। मतलब हम इनपुट डिवाइसेस जो सब डेटा इंस्ट्रक्शन लेते हैं द CPU डिसाइडेड दैट हाउ टू डू इट एंड विच यूनिट विल डू इट। मतलब CPU डिसाइड करता है कि ये कैसे करना है, कहाँ करना है और कहाँ पे ये यूनिट कितने बजे या किस समय पे या मतलब कहाँ पे स्टोर करना है। एंड अकॉर्डिंगली इट सेंड मैसेज और सिग्नल टू दोज यूनिट्स। उसके हिसाब से वो मैसेज या सिग्नल्स भेजता है यूनिट को। आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा द CPU जनरेट्स इंफॉर्मेशन एंड डिस्प्लेज इट थ्रू द आउटपुट यूनिट्स। आफ्टर प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेसिंग डेटा प्रोसेसिंग होने के बाद जो CPU रहता है वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है विद द थ्रू मतलब आउटपुट यूनिट्स के हिसाब से वो डिस्प्ले करता है। कहाँ पे डिस्प्ले करता है, मॉनिटर पे। और सेकंड है इसमें का मेमोरी यूनिट जो है वो मेमोरी यूनिट जो प्रोसेसिंग डेटा करा हुआ रहता है CPU से वो जो डेटा एंड इंफॉर्मेशन जनरेट करता है CPU हर एक यूनिट में वो स्टोर करने का काम मेमोरी यूनिट का रहता है। ओके थैंक यू।